हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हमारा एमपीसी 0-1 ख़त्म हो गया था, सो अब हम पढ़ेंगे एमपीसी 0-3, क्योंकि जो हमारा सबसे पहला पेपर है वो 0-2 का है। तो कल या परसों से उसकी वीडियोस में डालना शुरू कर दूंगी, और इन पेपर्स के लिए हमारे पास ऐसा टाइम होगा नहीं, तो पहले मैं इनकी वीडियोज़ डाल रही हूँ। ठीक है, जो एमपीसी 0-3 है ये ज़्यादा लेंथी नहीं है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूनिट 1 बुक 1, जिसमें उन्होंने बात करी है फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी की। ठीक है, अब ये थ्योरी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, जो आपका थियोरेटिकल अप्रोच टू काउंसलिंग है, उसमें जो ये साइको एनालिटिकल अप्रोच थी जिसमें फ्रॉइड के बारे में आपने पढ़ रखा है, ये सारी वही है जिसमें उन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो वगैरह की बात करी हुई है ना, ये वही थ्योरी है। इसमें रोल ऑफ काउंसलर, गोल, टेक्निक्स क्या क्या होते हैं, वो सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, इसके बाद बात आती है साइकोडायनेमिक्स की। साइकोडायनेमिक्स भी हमने पीछे पढ़ लिया है, और बट मैं इसको फिर से बताती हूँ क्योंकि इस चैप्टर में इसमें इसके बारे में थोड़ा सा बता रखा है। साइकोडायनेमिक्स होता है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द माइंड, पर्सनैलिटी और साइकी एज दे रिलेट टू मेंटल, इमोशनल और मोटिवेशनल फोर्सेज एट अनकॉन्शियस लेवल। ठीक है, साइको एनालिसिस और साइकोडायनेमिक्स को बहुत लोग सेम मानते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा डिफरेंट मानते हैं इसको, क्योंकि वैसे अगर आप देखो तो साइको एनालिसिस है उसमें आप इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हो, पर जो साइकोडायनेमिक्स है उसमें आप पर्सनैलिटी, पार्ट ऑफ माइंड और बाकी चीज़ों की भी बात करते हो। ठीक है, तो जो साइकोडायनेमिक्स है वो ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम यूज़ करते हैं साइको एनालिसिस से। ये भी फ्रॉइड ने ही दे रखा था। ठीक है, जो फ्रॉइड का साइकोडायनेमिक्स था उसमें अगर आप ईगो की बात करोगे तो उन्होंने कहा था कि जो ईगो है उसी में इड है, ईगो है और सुपर ईगो है। ठीक है, और उसके बाद जंगियन साइकोडायनेमिक्स है, कार्ल जंग ने दिया था ये, और इसमें वो होलनेस की बात करते हैं और वो कहते हैं कि जो हमारा सेल्फ है उसी में हमारा ईगो होता है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, उन्होंने साइको एनालिसिस और साइको डायनेमिक्स की बात करी हुई, और अगर जो पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा कि साइको एनालिसिस आप क्या समझते हो, या इसको किसने दिया था, और उसके एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं, टेक्निक्स क्या हैं, एज अ काउंसलर आप साइको एनालिसिस कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कुछ दे नहीं रखा है, और उसके बाद वही बता रखा है उन्होंने कि काउंसलर क्या करेगा, एज अ काउंसलर आप क्या कर सकते हो। आप ये देखोगे इन्फ्लुएंस फ्रॉम पास्ट क्या पड़ रहा है उसका, उसके एक्सपीरियंसिस कैसे थे पास्ट में जिसकी वजह से उसको जो प्रेजेंट है वो खराब हो रहा है। और इसमें आप एक सेशन लोगे वीकली 50 मिनट्स का, और जो ट्रीटमेंट होगा वो 3 महीने से लेके 2 साल तक चल सकता है, जो भी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर अगर कोई डिप्रेशन में है उसके लिए हम ये थेरेपी, ये जो साइको एनालिसिस और साइकोडायनेमिक्स है वो यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद साइकोथेरेपी था, ये है इन डेप्थ कंसिडरेशन ऑफ पास्ट इश्यूज। साइकोथेरेपी भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, साइकोथेरेपी है ये रहा, साइकोथेरेपी आपको मिल जाएगा यूनिट 1 में ऑफ ये शायद लेसन 3 लेसन 4 ओके, साइकोथेरेपी आपको मिलेगा बुक 2 और यूनिट 1 में। ठीक है, काउंसलिंग जिसमें मॉडल्स एंड अप्रोचेज, साइकोथेरेपी के बारे में आपको इधर मिल जाएगा, एसेंशियल्स ऑफ साइकोथेरेपी क्या होता है और वही सब बाकी। ठीक है, इसी में आपको साइको एनालिसिस भी मिल जाएगा फिर से जो हमने अभी पढ़ा है, और इसी के साथ में साइकोडायनेमिक्स भी मिल जाएगा ये रहा, और डायनेमिक्स के बीच में और एनालिसिस के बीच में डिफरेंस भी है। ठीक है, तो बेसिकली इस फर्स्ट चैप्टर में वही है कि मतलब जो भी अपने पीछे पढ़ा था उसका सारा सारांश है। तो या तो आप ये चैप्टर पहले पढ़ लो तो आपको वो इजी लगेगा, या फिर ये पहले पढ़ लो तो ये इजी लगेगा। ठीक है, एक सेकंड में ख़त्म हो गया हमारा ये सब। यूनिट 2 की तरफ चलते हैं, इनसाइट एंड शॉर्ट टर्म काउंसलिंग क्या होता है। सबसे पहले इनसाइट काउंसलिंग क्या होती है, इनसाइट का मतलब होता है जिसमें आप डीप स्टडी करते हो, वेयर द क्लाइंट मेक्स कनेक्शंस बिटवीन न्यू इन्फॉर्मेशन एंड प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। इनसाइट में क्या होता है, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है और प्रेजेंट में जो भी उसके साथ में हो रहा है उससे जो क्लाइंट है वो तालमेल बिठाने की कोशिश करता है।
ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या है, आस्किंग राइट क्वेश्चंस एज अ काउंसलर, ये आपका है जॉब कि आप उससे क्वेश्चन सही पूछें। फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर वेलबिंग, ऐसे फैक्टर्स पे ध्यान दें जो उनकी वेलबिंग पे अफेक्ट कर रहे हैं। प्लान आउट अ ट्रीटमेंट, एक ट्रीटमेंट आप रेडी रखें जिसमें जिससे उनकी हेल्प हो। कॉम्प्लेक्स कॉन्वो बिटवीन थेरेपिस्ट और क्लाइंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम, मीनिंग ऑफ बिहेवियर और थॉट्स और उसकी फीलिंग्स, ठीक है। और इन सब से हमको हेल्प होगी टू बी अवेयर ऑफ व्हाई ही बिहेव्स एज ही डज, ठीक है। ये इसका पूरा प्रोसेस होता है इनसाइड काउंसलिंग का, खत्म। शॉर्ट टर्म काउंसलिंग क्या होती है, ये 6 सेशंस का मॉडल होता है जिसमें सेशन 1 और 2 में असेसमेंट होती है, 3 और 4 में स्ट्रेटजीज बनती हैं, 5 और 6 में टर्मिनेशन होता है। 7 प्रिंसिपल्स हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला है म्यूचुअल गोल। अच्छा, जैसे अगर आप, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म काउंसलिंग में सिर्फ यही होता है, तो अगर आप इतना सा लिख के आओगे तो आपको कोई भी मार्क्स ही देने वाला है, आपको आधे मार्क्स भी दे देगा जबकि आपको सारा का सारा पता है। बट हमें वहाँ पे ज्यादा लिख के आने के बट ऑफकोर्स मार्क्स मिलते हैं, डिटेल्ड में लिख के आने के मार्क्स मिलेंगे। तो आप इसको एक्सप्लेन करके आओगे कि जैसे 1 और 2 में आप हेडिंग डाल दो, असेसमेंट होती है, फिर आप प्रोसेस समझा दो कि आप असेसमेंट कैसे करोगे। मतलब वही कि आप पहले उनको बुला रहे हो, उनकी प्रॉब्लम समझ रहे हो, जो इश्यूज हैं उन पर फोकस कर रहे हो, किस किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, फिर आप उसमें फैक्टर्स लिख रहे हो कि ये इश्यूज हैं, फिर 3 और 4 में आप स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए उन्हीं फैक्टर्स पे वर्क कर रहे हो। जैसे कि अगर कोई डिप्रेस्ड है तो आप ये फैक्टर्स देख रहे हो कि वो किस वजह से डिप्रेस्ड है, क्या उसकी मैरिड लाइफ की वजह से वो खुश नहीं है, या फिर जो उसके बच्चे हैं उनको कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वो फाइनेंशियली अनस्टेबल है, ये सब, ठीक है। और लास्ट में 5 और 6 में टर्मिनेशन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, MPC 021 था वो शायद, नहीं सॉरी 23 था, 921 था, जो भी था यार, हाँ ठीक है। उसमें आप टर्मिनेशन के बारे में मैंने बता रखा था आपको कि टर्मिनेशन कैसे करनी होती है, कि आपको सबसे पहले ये चेक करना होता है कि टर्मिनेशन आप ज़्यादा जल्दी ना कर दो, और या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने उसको बताया ही नहीं और आप वो अपने मन से आ रहे कि आज तो मैं कुछ अच्छा करूँगा, और आप कह रहे हो भाई आज तेरा आखिरी दिन, चल बाय बाय, ठीक है, ऐसे भी नहीं करना। तो ये सब आपको फॉलो अप और जो भी आप होमवर्क वगैरह दोगे ये सब आपका टर्मिनेशन में आएगा। नेक्स्ट इज हमारे 7 प्रिंसिपल्स हैं जो हम शॉर्ट टर्म काउंसलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म काउंसलिंग मोस्टली काउंसलिंग से छोटी होती है, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, और इसीलिए ये ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं क्योंकि जो लोग होते हैं वो मोस्टली काउंसलिंग में जाना, ज़्यादा टाइम तक जाना में भी अवॉइड करें, और उनको जल्दी अपना इलाज चाहिए हो, तो इसलिए शॉर्ट टर्म काउंसलिंग हेल्पफुल रहती है। इसके 7 प्रिंसिपल्स हैं जिसमें सबसे पहला है म्यूचुअल गोल डायरेक्टेडनेस, मतलब कि जो क्लाइंट और काउंसलर है वो एक गोल की तरफ में डायरेक्शन की तरफ बढ़ें। सेकंड इज क्विक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, एज अ काउंसलर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। रिमाइंडर ऑफ फाइनाइटनेस ऑफ सेशंस, आपको सेशंस के बारे में उनको बताना पड़ेगा कि कितने सेशंस आप लोगे, कैसे कैसे लोगे। मेकिंग एन एप्रोप्रिएट रेफरल, कॉन्फिडेंशियलिटी, ओपन कम्युनिकेशन, और लास्ट में फॉलो अप, ठीक है। तो ये आपके 7 प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर ये बेस्ड है शॉर्ट टर्म काउंसलिंग, और इन्हीं को आपको ध्यान में रखते हुए उसका सेशंस लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोल रखा है ब्रीफ थेरेपी, शॉर्ट टर्म थेरेपी और टाइम लिमिटेड थेरेपी के बारे में। तो जो ये हमने शॉर्ट टर्म काउंसलिंग पढ़ी है ना, इसमें और शॉर्ट टर्म थेरेपी में कंफ्यूज मत होना, ब्रीफ थेरेपी अलग है, शॉर्ट टर्म थेरेपी अलग है, ठीक है। ब्रीफ से ही समझो तुम, ब्रीफ का मतलब क्या होता है, जो ज़्यादा टाइम के लिए चले, ठीक है। ब्रीफ चलती है 3 से 5 साल के लिए, और इसमें 2 से 3 सेशंस हम पर वीक लेते हैं, ठीक है। ये किस लिए यूज होती है, इंडिविजुअल्स के लिए, एडोलेसेंस के लिए, कपल काउंसलिंग के लिए, क्राइसिस एट वर्क या इंटरवेंशंस के लिए, ग्रुप थेरेपी, पेरेंटिंग टेक्निक्स, फैमिली थेरेपी, ठीक है। ब्रीफ थेरेपी का इतना ही, अगर ये आई भी तो आपके 3 मार्क्स में आएगी कि कब से लेके कब तक होती है और किस लिए यूज होती है और आप कैसे यूज कर सकते हो, बाकी बेसिक्स तो सेम ही है, खत्म ये भी। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल काउंसलिंग, अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अब कन्फ्यूजन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखो, एक है IPC और एक है IPT, ठीक है। IPC है इंटरपर्सनल काउंसलिंग, IPT है इंटरपर्सनल थेरेपी। इंटरपर्सनल थेरेपी से इंटरपर्सनल काउंसलिंग निकला है, ये यूजुअली बड़ा होता है, ये छोटा होता है, ठीक है, क्योंकि ये इससे निकला है।
चले बाय। इंटरपर्सनल थेरेपी बड़ा होता है, आईपीसी छोटा होता है, क्योंकि इसमें जो सेशंस होते हैं वो 12 से 16 होते हैं, जिसमें आप 50 टू 60 पर मिनट सेशन लेते हो, जबकि ये शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ आईपीटी है, तो इसलिए आप इसमें 6 सेशंस लेते हो जो 30 मिनट्स पर सेशन चलते हैं। ठीक है, आईपीसी यूज होता है फॉर पेशेंट्स हु आर इन डिस्ट्रेस एंड हैव सिम्टम्स ड्यू टू करंट स्ट्रेसर्स इन देयर लाइफ। ठीक है, जबकि ये यूज होता है डिप्रेशन के साथ में, सब्सटेंस अब्यूज या फिर जो बुलेमिया था, जो हमारा खाने की प्रॉब्लम थी जिसमें हम पर्जिंग करते हैं, उन सब चीजों के लिए। ठीक है, इसके गोल्स होते हैं टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल सिम्टम्स, रीस्टोरिंग मॉरल एंड इम्प्रूविंग सेल्फ स्टीम। इसके गोल होते हैं चेंजिंग द इंटरपर्सनल बिहेवियर बाय फॉस्टरिंग अडेप्टेशन टू करेंट इंटरपर्सनल रोल्स एंड सिचुएशंस। इसमें होता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेशेंट सोशल एडजस्टमेंट एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। इसमें होता है रैपिड सिस्टम रिडक्शन एंड इम्प्रूव्स सोशल एडजस्टमेंट। ठीक है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, बट इसमें बस ये डिफरेंस है कि थोड़ा छोटा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, और ये थोड़े छोटे लेवल पे चीजों को टैकल करता है और ये लार्ज लेवल पे टैकल करता है। ठीक है, इंटरपर्सनल में बेसिकली यही होता है कि जो भी आपके रिलेशनशिप होता है ना, देखो जहाँ पे भी इंटरपर्सनल वर्ड है समझ जाना रिलेशनशिप्स की बात करी जा रही है, कि फैमिली से रिलेशन है या स्पाउस से या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, बच्चों से या किसी से भी, उसमें रिलेशनशिप को कैसे संभाले और इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम एरियाज आईपीटी के लिए कौन से होते हैं, जैसे कि अनरिजॉल्व ग्रीफ, रोल डिस्प्यूट्स, रोल ट्रांजिशन, इंटरपर्सनल डेफिसिट्स। अनरिजॉल्व ग्रीफ हो गया कि अगर जैसे किसी का डेथ हो गई है, फादर या मदर या फिर हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे की, और उसकी वजह से उनको स्ट्रेस हो गया। रोल डिस्प्यूट्स मतलब कि जैसे हस्बैंड और वाइफ है तो आपस में रोल नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, कि एक कह रहा है कि मुझे तो घर में रहना था, तुम्हें ऑफिस जाना था, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो, पर दूसरा कह रहा है कि मैंने ठेका थोड़ा ले रखा तुम्हारा, तुम्हारे को पालने का। ठीक है, रोल ट्रांजिशन का भी ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, बस उसमें वही है कि दोनों अपोजिट रोल्स निभा रहे हैं। इंटरपर्सनल डेफिसिट्स का मतलब है कि आपस में इनको प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉडल ऑफ आईपीसी क्या है। इंटरपर्सनल काउंसलिंग के बारे में बात करें, यहाँ पे दिया था जॉर्ज ने, लेवेंजर ने, रिलेशनशिप डेवलपमेंट के मॉडल्स दिए थे। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक्वेंटेंस, मतलब कि आपका कभी एक रिलेशन स्टार्ट कर रहे हो तो धीरे धीरे आप उसको स्टार्ट करते हो और मिलते हो, मीटिंग्स रखते हो। नेक्स्ट इज बिल्डअप, ट्रस्ट और केयर आपका बिल्ड होता है, इंटीमेसी और कंपैटिबिलिटी वगैरह बिल्ड होती है आपकी। थर्ड इज कंटिन्यूएशन, लॉन्ग टर्म के अगर आपको उसको रखना होता है तो आप उसको रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हो, मोस्टली एक डेढ़ साल तक में कंटिन्यूएशन की स्टेज पहुंच जाती है। फोर्थ इज डिटोरिएशन, अगर आप खुश नहीं हो तो आपको बोर्डम होता है, डिससेटिस्फेक्शन होता है, आपका ट्रस्ट टूट जाता है या फिर आपको बिट्रेयल मिलता है, तो ये फोर्थ स्टेज आती है। और फिफ्थ इज टर्मिनेशन, अगर आपका रिलेशनशिप हेल्दी है तो जो आपके स्पाउस की डेथ हो गई उसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टर्मिनेट हो गया, अगर आपका अनहेल्दी है तो आप सेपरेट हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपीसी। इंटरपर्सनल काउंसलिंग में क्या क्या होता है जिसकी वजह से जो क्लाइंट है उसको प्रॉब्लम हो रही है, क्लाइंट के इमोशंस, क्लाइंट का रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, डिस्कशन ऑफ पैटर्न्स इन क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड एक्सपीरियंस। और अगर कभी कभी कोई क्लाइंट शाय होता है या फिर उसको नहीं मन करता, इंट्रोवर्ट होता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है। टेकिंग डिटेल्ड पास्ट हिस्ट्री, इसमें भी कभी कभी क्लाइंट सही फील नहीं करता या फिर वो मोस्टली झूठ भी बोल देते हैं अगर क्लाइंट को लगता है, जैसे अगर किसी ने बिट्रेल करा है बट बाद में उसको वही चीज़ बुरी लग रही है और वो अपनी काउंसलिंग के लिए आया तो मे भी ऐसा हो कि पहली बारी में ना बताया कि हाँ उसी ने धोखा दिया था। एम्फेसिस ऑन क्लाइंट्स इंटरपर्सनल एक्सपीरियंस, एक्सप्लोरेशन ऑफ क्लाइंट क्लाइंट रिलेशनशिप, काउंसलर क्लाइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लाइंट विशेज एंड फैंटसीज। ठीक है, प्रोसेस ऑफ आईपीसी क्या है। एस्टैब्लिश रेपो, रूल आउट फिजिकल इलनेस एज अ कॉज फॉर सिम्टम, डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक साइकियाट्रिक डायग्नोसिस। सबसे पहले रेपो एस्टैब्लिश करोगे, उसके बाद में आप देखोगे कोई भी ऐसी इलनेस है तो उसके बारे में लिखोगे, उसके बाद आप जो भी साइकियाट्रिक स्पेसिफिक साइकियाट्रिक डायग्नोसिस है उसके बारे में लिखोगे, फिर आप उनको बताओगे कि आईपीसी क्या होता है और आप इससे कैसे उनकी हेल्प करोगे, फिर एक करंट आईपी और सोशल सिचुएशन में उनको डालोगे और उनको बताओगे कि हम आपके साथ में ये ऐसे ऐसे प्रोसेस करेंगे और ये ढूंढो फिर कि उनको क्या चीज़ स्ट्रेस कर रही है, उससे हेल्प करने में डील करो, उनको होमवर्क दो और लास्ट में टर्मिनेट कर दो। ले लो स्क्रीनशॉट। स्टेजेस क्या होती है अब आईपीसी की। सबसे पहले विजिट वन में क्या होगा, आपका ट्रीटमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा और अंडरस्टैंडिंग होगी हाउ लाइफ स्ट्रेसेस आर कंट्रीब्यूटिंग टू फीलिंग ऑफ द क्लाइंट। शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू 6 सेशन, जिसमें 30 मिनट्स ईच होंगे और होमवर्क होगा। ठीक है,
विजिट टू में आप स्पेसिफिक ये सारा आप उनको बताओगे, ठीक है, कि ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये होगा। विजिट टू से आप स्टार्ट करोगे, आप स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स की तरफ जाओगे, जिसमें आप ये देखोगे कि कब उसका शुरुआत हुआ था और ड्यूरेशन कितनी चली थी, कोई भी अगर रिसेंट चेंज आया तो क्या आया है, और आईपी रिलेशनशिप क्लोज अगर आपकी कोई थी जिसकी वजह से, जैसे अगर कोई थर्ड पर्सन है उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं, तो उसके बारे में भी आप बताओगे। विजिट 3 से 5 में आप वर्क करोगे उनके स्ट्रेस एरियाज पे, उसमें आप डिस्कशंस करोगे, उनको इन्वॉल्व करोगे एक्टिविटीज़ में और सेल्फ एस्टीम रिस्टोर करने की कोशिश करोगे। और जो आपकी लास्ट विजिट होगी उसमें आप टर्मिनेशन कर दोगे, और जो मोस्टली टर्मिनेशन होता है उसके बारे में आप 2 वीक्स आफ्टर वीक 5 के बाद में बता देते हो, ठीक है। लास्ट स्टेज इसमें जो है काउंसलिंग टेक्निक्स क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, बिहेवियर थेरेपी को यह अपना सारी जगह लिख के आओगे, याद कर लो अच्छे से। बिहेवियरल थेरेपी में आप बिहेवियर से रिलेटेड बताओगे, जैसे इसमें बिहेवियर थेरेपी कैसे यूज़ कर सकते हो। मान लो कि अगर जैसे हस्बैंड और वाइफ है, और जो वाइफ है वो काफ़ी शक्की है और वो हस्बैंड पर ट्रस्ट नहीं करती, और जो हस्बैंड है उसकी वजह से कुढ़ा रहता है और दोनों की काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, ठीक है। तो वो आपके पास आए हैं तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि दोनों में किस चीज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उनके बात करते करते आपको समझ आ जाएगा कि जो वाइफ है वो काफ़ी शक्की है, जबकि हस्बैंड ने ऐसा कुछ करा भी नहीं था। तो आप उसमें ये नहीं बोलोगे वाइफ को कि आप शक करना बंद करो, आप उनको ये उनसे बात करके ये जानने की कोशिश करोगे कि उनकी हैबिट आई कहाँ से। मे बी जो वाइफ के पहले के रिलेशनशिप्स रहे होंगे उसमें उनका उनको धोखा वगैरह मिला होगा, तो ये उनका एक तरह से मैकेनिज्म है कि दोबारा वो धोखे में ना आए, इसलिए वो शक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी रीज़न है। तो ये आप बिहेवियर थेरेपी की हेल्प से उनका बिहेवियर जज करके निकालने की कोशिश करोगे। कॉग्निटिव थेरेपी में उनके थॉट प्रोसेस के बारे में पढ़ने की कोशिश करोगे कि उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो उनको छोड़ कर जा रहे हैं, क्या वो अपने आप को वीक फील करते हैं, या फिर क्यों आप उनको ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा उनसे अच्छे नहीं हैं, मतलब फिजिकली या फिर मतलब शक्ल वगैरह से। और थर्ड इज इंटरपर्सनल डिप्रेशन वगैरह में वो जा रहा है, रिलेशनशिप क्यों क्या चीज़ लैक कर रहा है, ये सब लिखोगे। साइकोथेरेपी में आप ये देखोगे कि कोई भी उनको मेंटल इलनेस तो नहीं है, जैसे उनको कोई डिसऑर्डर टाइप तो नहीं है, या फिर मतलब जैसे उनका जो सेल्फ इस्टीम वो काफ़ी लो है, इसलिए वो चाहते हैं कि कोई उनको छोड़ के ना जाए। फिफ्थ इज साइको डायनेमिक काउंसलिंग जो फ्रीवेड ने दी थी, आप उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की तरफ जाओगे कि कभी किसी ऐसा तो नहीं हुआ था किसी ने उनकी बहुत ज़्यादा तरीके से उनको जहलील करा था, जो भी उनका एक्स रहा होगा तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जो वो नहीं चाहते थे कि हो, और फिर उनको लगा होगा कि मे बी वो कंपैटिबल नहीं है किसी के भी साथ में, बट जब उनके हस्बैंड आया तो उनको अच्छा लगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, पहला है एल्डरली क्लाइंट्स जिनके सेशंस छोटे होते हैं मोस्टली, क्योंकि उनमें ज़्यादातर एज सच बिट्रेल वगैरह का ज़्यादा चीज़ होता है नहीं, उनमें बेसिकली ये होता है कि अगर उनका जो स्पाउस होता है उसका डेथ हो जाती है तभी वो से स्ट्रेस में आते हैं। सेकेंड इज HIV पॉजिटिव क्लाइंट्स, जो अगर कोई ऐसा है आपके पास में तो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी को भी एकदम से पता लगता है कि वो पॉजिटिव है तो वो सिर्फ उस पर इम्पेक्ट नहीं करता, उसकी फैमिली वगैरह को भी करता है, और जो सोसाइटी है उधर वो क्या बोलेंगे उसको लोग, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो मोस्टली जो पॉजिटिव होते हैं उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है एनजाइटी डिप्रेशन के, वो नॉर्मली शिकार हो जाते हैं, और अगर फैमिली भी सपोर्टिंग नहीं है तो फिर एकदम से उनका कट ऑफ हो जाता है दुनिया से, ठीक है। और थर्ड इज एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स भी यार बहुत ज़्यादा टेंशन में ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि जो अभी हमारी जनरेशन है उनको ऐसा लगता है कि उनको उनकी जो पहले की जनरेशन है वो बिल्कुल भी समझ नहीं सकती है, तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसे में मोस्टली जो एडोलेसेंट्स होते हैं इंडिया में तो ज़्यादा नहीं करते, बट फॉरेन में ये होता है कि वो पेरेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं और न्यू रिलेशन्स फॉर्म करते हैं, जिसपे उनको मोस्टली ऐसा ही होता है कि उनको पहली बारी में धोखा ही मिलता है। तो ऐसे में लोग जो अगर इनकी इंटेंशन नहीं होती है कि वो किसी का उल्टा करें बुरा करें, वो मोस्टली डिप्रेशन में आ जाते हैं, या फिर उनके लिए जो ट्रस्ट और केयर है उसकी डेफिनेशंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी आपके पास में आ सकते हैं। फोर्थ इज सब्सटेंस अब्यूज़, जो ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं किसी भी रीजंस की वजह से, ऐसे लोग भी आपके पास में इंटरपर्सनल काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, और आप उनको बता सकते हो कि आप ड्रग्स को कट डाउन कैसे करो और बेटर स्ट्रेटजीज कैसे डेवलप करो। और लास्ट इज ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें आपको डिफिकल्टी होती है जो भी आपके नेगेटिव इमोशंस होते हैं उनको मैनेज करने में, ठीक है। तो बेसिकली इन सभी में यही होता है कि जो आपके इमोशंस होते हैं आप उनको ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हो, और किसी न किसी और की वजह से
आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें प्रॉब्लम होती है, नेगेटिविटी आती है और आपका जो इमोशंस है वो डाउन हो जाते हैं, लो फील करते हो आप, और यही इसीलिए इंटरपर्सनल काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसमें स्किल्स क्या क्या चाहिए होते हैं एज अ काउंसलर? सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि जितने बेटर आपका कम्युनिकेशन होगा उतना बेटर आप अगले को समझ पाओगे, प्लस अगला उतना खुल के आपको बताएगा। सेकेंड इज असर्टिवनेस स्किल्स। असर्टिवनेस का मतलब होता है कि आप अपने आप को बता पाओ अपने बारे में और अपने राइट्स को बता पाओ बिना किसी और का जो राइट है उसको वायलेट करे हुए। ठीक है, थर्ड इज कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए आप उनको बता सकते हो कि आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो जिससे वो एक डिबेट ना बन जाए जो आप लोगों की आपस में बातचीत है, रदर देन वो एक हेल्दी कम्युनिकेशन की तरह बाहर आए। ठीक है, और फोर्थ इज एंगर मैनेजमेंट। अगर ऐसा सब कुछ हो भी जाता है तो आप उसमें डाइवोर्स के बजाय या फिर कुछ और जिसमें आप दोनों को ही लॉस हो रहे उसके बजाय आप एक हेल्दी डिस्कशन कर पाओ और अपना जो एंगर उसे कंट्रोल कैसे कर पाओ उसके बारे में बता सकते हो। बस यूनिट 3 खत्म। अब हम आते हैं लास्ट यूनिट 4 पे, काउंसलिंग चिल्ड्रन पे। सबसे पहला है, ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला लर्निंग डिसऑर्डर LD। इसमें उन्होंने डिसलेक्सिया का एग्जांपल ले रखा है। इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं डिसेबिलिटी, इमैच्योरिटी और डेफिशिएंसी। एग्जांपल है डिसलेक्सिया का, जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो इसमें जो ईशानदर्शील था उसको डिसलेक्सिया था। ठीक है, जो वो ये लिखता है B का D दिखता है, 9 का P होता है। ठीक है, ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसमें होता है फेलियर ऑफ ब्रेन टू डेवलप इन नॉर्मली ए सिमेट्रिकल मैनर। जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो इसमें अंडर डेवलप्ड होता है, और जबकि जो लेफ्ट राइट होते हैं दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? सबसे पहला है सीरियस लर्निंग प्रॉब्लम। उनको याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको समझ ही नहीं पाते कि लिखा क्या, उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। सेकेंड इज डिफिकल्टी इन एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि जो सामने लिखा है वो एप्पल है या फिर पेप्पल है। थर्ड इज हाइपर एक्टिविटी। वो बहुत ज्यादा सब में नहीं होगा, बट मोस्टली ऐसा होता है कि जो डिसलेक्सिक बच्चे होते हैं वो काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, मतलब वो एक जगह पर टिकते नहीं है, और उनका जो इंटरेस्ट होता है वो एक सेकेंड में इधर से उधर चेंज हो सकता है और वो ध्यान नहीं दे पाते। जैसे वो उसमें आपने मूवी में देखा हो, जो ईशानदर्शील था वो क्लास के बाहर ही देख रहा होता है मोस्टली। ठीक है, तो यही होता है कि वो जैसे टीचर बोले जा रही है तो उसके बाद पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, और फोर्थ इज इम्पल्सिविटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही वो इम्पल्सिव होते हैं और रुक नहीं सकते हैं, और एकदम से सडन जैसे कुछ भी हो रहा है तो एकदम से वो हंसना शुरू कर देंगे या फिर एकदम से उनका मतलब विद इन सेकेंड्स वो चेंज कर सकते हैं। फिफ्थ इज एंजाइटी, और सिक्स्थ इज कांट बी जस्ट फिजिकली, और सेवन्थ इज स्लो। कांट बी जस्ट फिजिकली का मतलब है कि आपको ऐसा देख के नहीं लगेगा कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है या फिर उसे कोई डिसऑर्डर टाइप है, बट जब आप उसको एक्सप्लोर करना शुरू करोगे तभी आपको समझ आएगा कि इनको किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में प्रॉब्लम है। और डिसलेक्सिया में ऐसा नहीं होता है कि अगर उसको डिसलेक्सिया है तो उसे कोई और डिसऑर्डर नहीं हो सकता है, जैसे कि अगर उसको डिसलेक्सिया है उसके साथ ही उसको ADHD भी हो सकता है। ADHD होता है आपका अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा काफ़ी ज़्यादा या तो बहुत स्लो होता है, इसके भी टाइप होते हैं, और या फिर बहुत ही ज़्यादा वो बिल्कुल कहीं भी रुक नहीं पाता है, जो इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी के बारे में मैंने इसमें बोला है। ठीक है, इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं कि आप इनको ऐसे बच्चों को हेल्प कैसे करोगे? तो पहला टेक्निक है, देखो इसमें भी बहुत सारे आ गए, बिहेवियर और साइकोएनालिटिक वगैरह। बिहेवियर मॉडिफिकेशन अप्रोच में आप क्या करोगे, आप उसका जो एनवायरनमेंट है उसको देखोगे और उसमें बच्चे को वैसे ही अपॉर्चुनिटीज दोगे जो उस बच्चे के लेवल की हैं। अब मान लो एक बच्चा है फिफ्थ क्लास में या फिर सिक्स सेवन्थ एट टाइप में, कोई भी लगा लो, और अब फिफ्थ से लेके एट तक ऐसी होता है कि जो टीचर होते हैं वो बच्चों को अपने आप लिखवाना शुरू कर देते हैं कि आप अपने आप लिखने की कोशिश करो। प्लस वो जो फिफ्थ ऑनवर्ड्स बच्चे होते हैं उनको टीचर्स मान चुकी होती हैं कि ऑलमोस्ट बड़े हो गए हैं। ठीक है, तो ये सेल्फ सफिशियंट है। बट अगर कोई बच्चा डिसलेक्सिक है तो पहली बात तो वो सेम पेज पे है ही नहीं जिस पेज पे बाकी बच्चे काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लस उसका पेस, जिस पेज से वो लिखेगा वो काफ़ी स्लो होता है और बच्चे को नहीं समझ आता है कि जो ब्लैक बोर्ड में मैम ने लिखा वो क्या लिखा है, क्योंकि वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा। जब तक वो यही नहीं समझ पा रहा है कि सामने पी लिखा है या 9 लिखा है, तब तक वो पाइनएप्पल को क्या ही पढ़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप ऐसे में बच्चों के साथ में पहले तो बच्चे के लेवल पे आकर उसको समझाने की कोशिश करो। जैसे कि अगर जो एग्जांपल लिया मैंने उसका बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए आप ये कर सकते हो
कि अपॉर्चुनिटीज में एक तो बच्चों का पहले आप लेवल टेस्ट करो कि वो किस लेवल पे है, फिर आप उस लेवल पे मतलब जीरो से स्टार्ट करो और धीरे धीरे बच्चे को 10 लेवल तक लेके आओ, और उसके बाद में धीरे धीरे जब वो क्लास के लेवल तक आए तब उसको आप साथ में जो उसके क्लास के बच्चे उनके साथ में रखो, ठीक है। सेकेंड इज साइको एनालिटिकल अप्रोच। इसमें आप रूट कॉज फाइंड आउट करते हो, प्लान करते हो, एग्जीक्यूट करते हो। इसमें आप क्या करोगे, जैसे कि आपको पता है कि उसका बच्चे का मेंटल लेवल जीरो पे कहाँ पे है, तो आप उसके थॉट प्रोसेस को इसमें ट्रेस करोगे कि बच्चे को कहाँ पे शाय फील हो रहा है, फिर बच्चे को कहाँ पे स्ट्रेस या एंजाइटी फील हो रही है जिस वजह से वो मैम से पूछ नहीं पा रहा है। क्योंकि अगर सारे के सारे मैम कह रही है समझ आए और सारे के सारे बच्चों के साथ में वो भी हाँ हाँ कर रहा है, तो टीचर्स को भी इतना ज़्यादा कुछ पता होता नहीं, क्योंकि वैसे ही 50 बच्चे हैं तो टीचर हर एक पे ध्यान इतना दे भी नहीं पाती है, ठीक है। और थर्ड इज इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। इसमें होता है कि आप स्मॉल ग्रुप्स बनाते हो या फिर एक इंडिविजुअल बच्चे को रखते हो, और पीयर ट्यूटोरिंग में क्या होता है कि जो भी उसका दोस्त होता है या फिर सेम लेवल में जो बच्चे होते हैं जो सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो एक साथ बैठते हैं और वो आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं, समझाते हैं। फोर्थ इज सेल्फ इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। इसमें होता है कि आप सेल्फ लर्निंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हो बच्चों को, जिसमें बच्चा खुद से याद करे और खुद को पढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। फिफ्थ इज मल्टी सेंसरी अप्रोच, जिसमें आप विजुअल, टच, ऑडिटोरी एक्सेट्रा इन सब चीज़ों की मदद से उसको पढ़ाने की कोशिश करते हो। जैसे अगर आपको एप्पल पढ़ाना है तो आप उसको एप्पल लिखा हुआ दिखा रहे हो, टेप रिकॉर्डर पे बोला हुआ सुना रहे हो बार बार ही एप्पल एप्पल एप्पल, और एक डायग्राम सामने एप्पल का ड्राइंग दिखा रखी है, ठीक है। सिक्स्थ इज टेक्नोलॉजिकल अप्रोच, यूज ऑफ टेक्निक्स, वही जिसमें ऑडियो टेप रिकॉर्डर वगैरह कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस आप यूज कर रहे हो। एक हो गया हमारा LD, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया डिसलेक्सिया का। सेकेंड इज ADHD, विच इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जितना बड़ा नाम है उतना ईजी ये डिसऑर्डर है। इसमें बच्चा बस हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज्यादा बच्चा उधर भागता रहता है, एक जगह पर टिकता नहीं है। 5 से 7% बच्चे को इसमें सफर करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इम्पल्सिविटी, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होता है। एक्सेसिव मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा बच्चा यहाँ से वहाँ करता रहता है। जैसे अगर क्लास में जब हमने इंटर्नशिप के लिए गए थे तो उसमें एक ADHD बच्चा था, सारे बच्चे वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और वो इधर से उधर भाग रहा था। और इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट टीचर का एज अ क्लास टीचर ये रोल है कि जो ADHD बच्चा है वो उसको डांटे ना कि आप इधर से उधर भाग के रहे हो, क्योंकि उससे बच्चे का कंट्रोल उस पर है ही नहीं। बच्चा जो उसका इंटरेस्ट है वो काफ़ी जल्दी लूज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो चाहकर भी एकदम से बैठा नहीं रह सकता, और अगर आप उसको बहुत ही ज़्यादा डांट डपट के बैठाओगे तो उसके बाद में फिर वो कुछ भी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज इन सस्टेनिंग अटेंशन। और बट ऑफ कोर्स अगर बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा तो वो अटेंशन को ग्रैब ही नहीं कर पाएगा और इधर उधर उसका ध्यान डाइवर्ट होता रहेगा। मतलब अगर आप उसको बोलोगे बेटा कॉपी में क्या लिखा है, तो वो एक वर्ड बोल के इधर उधर भाग जाएगा या फिर चार्ट्स वगैरह देखने लग जाएगा जो भी क्लास वगैरह में बने हुए हैं, ठीक है। और जो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो होती है ये 6:2, मतलब अगर 6 से 9 लड़कों में ये हो रहा है तो एक लड़की को होगा ये, ठीक है। बॉयज़ को मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के। नेक्स्ट इज सिम्टम्स क्या क्या हैं, डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग अटेंशन, अटेंशन नहीं सस्टेन कर पाते, हाईली डिस्ट्रैक्टेबल, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस होते हैं क्योंकि अटेंशन ग्रैब नहीं हो पाती है। कांट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि उनका ध्यान आपकी तरफ होता ही नहीं है, और होता भी होता है बहुत कम सेकंड्स के लिए होता है, इसीलिए वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस अगर आपने उनको एक साथ दे दी, जैसे कि दिस बुक का दिस पेज नंबर, दिस चैप्टर, दिस लाइन, दिस वर्ड क्या लिखा है बताओ, तो वो खो जाएगा बच्चा। डू नॉट रिस्पॉन्ड टू डिमांड्स या इंस्ट्रक्शंस, इम्पल्सिव बिहेवियर, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, समटाइम्स लो IQ, बिलो एवरेज, डू नॉट ओबे रूल्स, पुअर इन अकेडमिक्स, ठीक है। अच्छा, जो ये पुअर इन अकेडमिक्स और लो IQ है ना, ये हमेशा नहीं होगा कि जो ADHD बच्चा है उसका लो IQ ही हो। जैसे कि जो बच्चा हमें मिला था इंटरवेंशन के टाइम पे, मुझे मेरी फ्रेंड को इंटर्नशिप के टाइम पे, वो बच्चा ADHD था बट उसका IQ अच्छा था, ठीक है। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा, बट ADHD है तो ये पक्का है कि वो या तो काफ़ी इम्पल्सिव होगा और या फिर काफ़ी स्लो होगा, ठीक है। टेक्निक्स क्या होती हैं इसमें, सबसे पहला है यूज़ ऑफ ड्रग। आप स्टिमुलेट ड्रग दे सकते हो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, और उसके अलावा है ख़त्म। टेक्निक्स में इसमें यही, एक तो ड्रग का यूज़ कर सकते हो, बाकी आप ये सब यूज़ कर सकते हो जो LD में सेम टेक्निक्स है ना। इसके बाद हम चलते हैं एनजाइटी डिसऑर्डर की तरफ। एनजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है,
जिसमें जो क्लाइंट है वो वल्नरेबल फील करता है, फियर ऑफ फियर डरा हुआ फील करता है, एंजाइटी, शाइनेस, टिमिडनेस, फोबियाज, ओवर डिपेंडेंसी, स्लीप डिस्टर्बेंस और हाइपर सेंसिविटी, ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के। और ये दो तरह का होता है, एक होता है सेपरेशन एंजाइटी, दूसरा होता है सेलेक्टिव म्यूटिज्म। सेपरेशन एंजाइटी क्या होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इमेच्योर, ओवर सेंसिटिव, नर्वस, ओवरली डिपेंडेंट। अगर किसी से आप सेपरेट हो जाते हो या फिर मतलब पेरेंट्स वगैरह सेपरेट होते हो या फिर स्पाउस से सेपरेट हो रहे हो तो ये सब एंजाइटी होने के चांसेस होती है कि अगर उसको ऐसा लगता है कि मतलब कोई आपको धोखा दे गया तो आपको ऐसा लगता है कि आप उसके लेवल के नहीं थे, इसीलिए उसको आपको आपसे उसको कोई बेटर मिल गया तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस वगैरह लूज होता है और वही सारी चीज़ें, ठीक है। ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, नर्वस फील करते हो आप। बी इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म। म्यूटिज्म का मतलब होता है, इसमें म्यूट से है ये अनेबल टू स्कीप सॉरी स्पीक। इसका मतलब ये है कि आप कभी कभी जैसे बहुत सारे लोग हैं तो उनके सामने आपको एकदम से आप म्यूट रहते, जो स्टेज फियर होता है ना उसी की बात करी हुई है। इसमें होता है अनेबल टू स्पीक एंजाइटी। इसमें कॉज क्या होते हैं, बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर्स होता है, एनवायरमेंटल सेटिंग का फैक्टर होता है, ईजिली अपसेट, ए स्मॉल डिसअपॉइंटमेंट, सेंसिटिविटी, एक्सीडेंट्स, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है मोस्टली, जैसे कि अगर आप जैसे स्कूल में हो और आपको आपके टीचर ने बोल दिया कि आपको स्टेज पे बोलना है, बट आपने देखा कि इतने सारे लोग हैं और आपको एकदम से बत्ती गुल हो गई, ठीक है, और आप बोल नहीं पा रहे हो, इसको म्यूटिज्म कहते हैं। मतलब वैसे आप बोलते हो बट इतने सारे लोगों को देख के आपकी बत्ती एकदम से गुल हो गई। अब हम पढ़ते हैं इसके टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं जिसमें आप जो एंजाइटी से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स है उसको हेल्प करो क्लाइंट को। सबसे पहला है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक में आप उनको ये बोल सकते हो कि आप डीप ब्रेथ लो और काम डाउन होने की कोशिश करो, जिसमें आप ब्रेथ लेते हो आफ्टर काउंट ऑफ 1 2 3 4 5 ऐसे करके, या फिर क्या कहते हैं मतलब कोई भी ऐसी चीज़ को इमेजिन करना शुरू करो जो आपको पसंद है, जैसे कि अगर आपको रेन ड्रॉप्स पसंद है आप उनके बारे में सोचो, या फिर अगर आपको कोई बच्चा वगैरह पसंद है उसके बारे में सोचो, जिस चीज़ को भी आपको सोच के रिलैक्स मिलता है, ठीक है। सेकेंड इज CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर आपको एनजाइटी है तो एनजाइटी में जो भी आपका थॉट है जिसकी वजह से आपको एनजाइटी हो रही है, आप उस थॉट को चेंज करने की कोशिश करो या फिर कोशिश करो कि आप उसके बारे में ना सोचो, ठीक है। थर्ड इज साइकोथेरेपी और फोर्थ इज साइकियाट्रिक इवेल्युएशन। साइकियाट्रिक इवेल्युएशन में आप अपना टेस्ट करवा सकते हो कि आपको क्या क्या मेंटली या फिर एज सच थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से आपको एनजाइटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एनजाइटी डिसऑर्डर में। फोर्थ इज स्लीप वॉक या सोमनम्ब्यूलिज्म जो भी इसको बोलते हैं, स्लीप वॉक आई विल प्रिफर। स्लीप वॉकिंग 6 से 12 साल के बच्चों में होती है और वो सोते सोते खेलना शुरू कर देते हैं या फिर घर के बाहर भी चले जाते हैं या फिर अपने रूम में इधर से उधर होते रहते हैं, और जब वो उठते हैं सो के तो उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। 15 से 30 मिनट्स का ये एपिसोड होता है जिसमें वो इधर तो चलते रहते हैं और नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, मतलब उनकी आँखें वैसी होती हैं, मतलब या तो बंद है या फिर मतलब रैपिड नहीं है, ठीक है। टेक्निक क्या होती है, अगर कोई बच्चा ऐसा आपको दिखता है चलता हुआ, मतलब आपके ऑफकोर्स अपने घर में बच्चा, वॉश फेस विथ कोल्ड वाटर, उसका ठंडे पानी से मुंह धो ताकि उसकी नींद पूरी खुल जाए, और ये कोशिश करो कि अगर उसने कोई सपना देखा था तो उसमें क्या था कि जिस वजह से उसने चलना शुरू कर दिया, और एसर्टिव ट्रेनिंग दो, मतलब कि जो ड्रीम्स हैं उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करो कि किस वजह से मतलब ऐसा क्या हुआ बच्चे को कि उसको ऐसा फील आया कि उसको चलना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको कॉज वगैरह थोड़ा पता लगेगा तो आप उसको हेल्प कर पाओगे कि वो दोबारा ना चले। उसके बाद आते हैं हम ऑटिज़म पे। ऑटिज़म भी एक डिसऑर्डर होता है और ये बर्थ के टाइम पर पता लग जाता है कि बच्चे को ऑटिज़म है। ये एक प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होता है, इसमें आपका जो लैंग्वेज होता है वो हिला हुआ होता है, परसेप्शंस आपके हिले हुए होते हैं, मोटर डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इन सभी चीज़ों में बच्चा लैग करता है। कॉज इसका सर्टेन नहीं है, बट जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट को साइंटिस्ट कहते हैं कि इसकी वजह से जो बच्चा है उसको ऑटिज़म होता है। ऑटिज़म में हेल्प कैसे कर सकते हैं बच्चे की, हेल्प द ऑटिस्टिक क्लाइंट इन मास्टरिंग द फंडामेंटल्स ऑफ सोशल बिहेवियर। जो ऑटिस्टिक बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम होती है घुलने मिलने में, इधर उधर बात करने में, तो उसको हम सोशल बिहेवियर के बारे में थोड़ा समझा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स और बिहेवियरल काउंसलिंग, पेरेंटल काउंसलिंग, ट्रेनिंग चिल्ड्रन टू डू वर्क, एंगेजिंग
चिल्ड्रन इन वेरियस एक्टिविटीज बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स. ठीक है, ऑटिस्टिक बच्चे को मोस्टली बिहेवियर इश्यूज ही होते हैं, तो हम उसको हेल्प कर सकते हैं कैसे एक्सट्रोवर्ट बने और अपनी बात कह पाए, एसर्टिवनेस रख पाए, कॉन्फिडेंस रख पाए, कम्युनिकेशन स्किल अपने अच्छे रख पाए. ठीक है, ये आपका हो गया बुक वन ख़त्म. अब हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे बुक टू. तब तक के लिए बाय बाय.